हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता में बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनल रैपोर एंड इक्वेनिमिटी। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता के बारे में डिटेल से पढ़ा था। इस वीडियो में हम पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की बाधाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक राष्ट्र पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता को स्थापित करने का प्रयास तो कर रहा है, परंतु अनेक ऐसी बाधाएं जो कि सौहार्द स्थापना के मार्ग में सुरसा की मुंह फैलाए खड़ी रहती है। अर्थात बुद्धिजीवियों एवं समाजशास्त्रियों के सौहार्द स्थापना के संपूर्ण प्रयासों को असफल कर देती है। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो हर एक राष्ट्र है, हर एक देश है, वो पारस्परिक सौहार्द को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है? विश्व में शांति का वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहा है, आपसी समझौते, आपसी तालमेल को बैठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बाधाएं ऐसी हैं कि सौहार्द की स्थापना करते समय सुरसा के मुंह फैलाए खड़ी रह जाती है। मतलब बीच में ऐसी बाधाएं आ जाती है कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देती है। कहने का मतलब ये है कि जो बुद्धिजीवी हैं या जो समाजशास्त्री हैं, ये लोग पूरी कोशिश करते हैं, उसके बावजूद ये लोग असफल हो जाते हैं। आगे है सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द के मार्ग की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित है। आगे हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है, समाज में अलगाववाद की प्रवृत्ति होने के कारण सौहार्द स्थापना के प्रलय विफल हो जाते हैं। देखिए, अलगाववाद, यहाँ पे एक शब्द और छुपा हुआ है, लगाववाद। लगाववाद का मतलब क्या होता है? लगाववाद का मतलब होता है कि हमें किसी वस्तु से प्रेम है, ठीक है, किसी से लगाव है, तो ये लगाववाद होता है। और जस्ट इसका अपोजिट अलगाववाद होता है। अलगाववाद एक नकारात्मक शब्द है जो कि एक विरोधी भाव को प्रकट करता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अलगाववाद क्या है? अलगाववाद हमें बताता है कि हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी धर्म से कोई लगाव नहीं है, जिसके कारण हम आपसी सहमति नहीं कर पाते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि हम एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, हमें कोई लगाव नहीं होता है उसके प्रति, जिसके कारण सौहार्द की स्थापना विफल हो जाती है। अगला पॉइंट है, धर्म के सिद्धांतों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या एवं धर्मोन्माद उत्पन्न करना सौहार्द स्थापना के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। देखिए, धर्मोन्माद क्या होता है? धर्मोन्माद होता है कि ऐसा व्यक्ति जो धर्म के नाम पर, ठीक है, धर्म के नाम पर अशांति फैला रहा हो, या तो फिर धर्म के प्रति उसके अंदर पागलपन जैसे हो, ठीक है, तो वो अपने ही धर्म को सबसे बेस्ट मान रहा है, दूसरे धर्म को बेकार कह रहा है या भेदभाव कर रहा है सारा। तो इसके कारण क्या हो रहा है? जब वो भेदभाव पहले से ही कर रहा है धर्म को लेकर, तो क्या होगा? आपसी सहमति नहीं हो पाएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, तो जिसके कारण इसमें बाधाएं उपस्थित होंगी। अगला है, भाषावाद भी सामाजिक सौहार्द स्थापना के मार्ग की प्रमुख बाधा है, क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए, हमारा जो भारत देश है, ये कैसा देश है? ये एक संप्रभुता संपन्न देश है, ठीक है, और इसमें हर तरह के लोग होते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग होते हैं, अलग अलग रंग रूप होता है, लोगों के अलग अलग धर्म होते हैं, ठीक है। जो हमारा भारत देश है, इसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अनेक अलग अलग तरह की भाषाएं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि लोग भेदभाव करने लगते हैं, या तो फिर भाषावाद भी सामाजिक सौहार्द स्थापना, मतलब हम एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण सौहार्द में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो अगला है, विभिन्न विचारधाराओं का समाज में प्रचलन होता है, जिससे समाज को सौहार्द के सूत्र में बांधना कठिन कार्य होता है। ओके, फिर आगे है, मानव अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को महत्व देता है तथा सार्वजनिक हित को त्याग देता है, जिससे सामाजिक सौहार्द स्थापना में कठिनाई उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि मानव व्यक्तिगत स्वार्थों, मतलब हर एक मानव अगर अपने ही बारे में सिर्फ सोचेगा,
और वो सोशल वर्क के बारे में नहीं सोचेगा, सार्वजनिक लोगों के हित के बारे में नहीं सोचेगा, उसको त्याग देगा, तो जिसके कारण क्या होगा कि सौहार्द को स्थापना करना बहुत ही कठिनाई हो जाएगी। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के कारण भी सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द स्थापना के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि जो समाज में हमारी कुरीतियाँ चली आ रही है, अंधविश्वास हो रहे हैं, लोगों के अंदर अंधविश्वास पहले से ही रहते हैं, जात पात को लेके, धर्म को लेके, और ना जाने कौन कौन से होते हैं हमारे धर्म को लेके अंधविश्वासें होती हैं, जिसके कारण समाज में सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जो बाधा उत्पन्न करती है। तो आगे है, धार्मिक कट्टरता भी समाज में विवाद एवं अशांति को जन्म देती है, इससे सामाजिक सौहार्द स्थापित नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो धार्मिक कट्टरता बनती होती है, इन सब के कारण समाज में विवाद उत्पन्न होते हैं, अशांति को जन्म देता है ये सारे विवादे, तो जिसके कारण सौहार्द स्थापित नहीं हो पाता है हमारे समाज में। नेक्स्ट है, अनेक बार राष्ट्र एवं समाज में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के कारण विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जो सौहार्द स्थापना के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कई बार एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र या फिर एक समाज से दूसरे समाज में क्या होता है, कोई ना कोई हस्तक्षेप हो जाता है, जिसके कारण उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। जब विवाद उत्पन्न होते हैं तो वो लोग आपसी सहमति या तालमेल नहीं बैठ पाता है उन लोगों का, जिसके कारण सौहार्द की स्थापना होने में बाधाएं उपस्थित होते हैं। फिर है, भौतिक सुखों की प्रतिस्पर्धा एवं नैतिक मूल्यों का ह्रास होने से सौहार्द स्थापना से कठिनाई होती है। मतलब कि जो भौतिक सुख होते हैं, हम अपने आराम के बारे में, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, या नैतिक मूल्यों का मजाक उड़ाते हैं, इन सब के कारण सौहार्द की स्थापना करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। तो ये भी एक क्या है, बाधा है। ओके, आगे है हमारा आखिरी पॉइंट है, क्षेत्रवादिता के कारण व्यक्ति अपने क्षेत्र को महत्व देता है तथा दूसरे के क्षेत्रों को कम महत्व देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द स्थापना में बाधा उपस्थित होती है। मतलब लोग अपने अपने क्षेत्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि एक राज्य है उत्तर प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश वालों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेगा, वो बिहार वाले को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। अगर क्षेत्रवादिता के कारण लोगों के अंदर भेदभाव हो जाता है तो इसका भी एक कारण, बहुत बड़ा कारण होता है जो सौहार्द की स्थापना में बाधा उत्पन्न करता है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू।